से बिगनर टू एडवांस स्टॉक मार्केट सीरीज में अगर आपने पिछली दो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो के देख लीजिए, क्योंकि तब आपको यह समझ में आएगा कि जो अगला क्लास हो रहा है किस बारे में हो रहा है, वहाँ से आप समझेंगे ज़्यादा आपको आसानी होगी समझने में। तो आज हम समझेंगे कि NSE और BSE के बारे में फुल डिटेल में, NSE एंड BSE, ठीक है। तो NSE होता है हमारा नेशनल और BSE हमारा होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो जो हमारा ये NSE और BSE की एक्सचेंज है, ये स्टॉक में ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हम NSE या BSE में ही करते हैं। सो NSE हमारा जो है ये 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था मुंबई में, और जो हमारा BSE है ये भारत की सबसे पुराना एक्सचेंज है। BSE ये 1875 में इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में, लगभग इसको 146 साल हो गए हैं जो कि अभी एक्सचेंज में काम कर रही है। NSE का जो मार्केट कैप है, चलिए इसको थोड़ा और जानते हैं NSE और BSE के बारे में। तो हम गूगल पे थोड़ा करते हैं, गूगल NSE के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं, NSE इंडिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी NSE, और इसका मार्केट कैप है लगभग 3.1 ट्रिलियन, जो कि मई 2021 का डाटा है। और इसके चेयरमैन गिरीश चंद चतुर्वेदी हैं। इसके MD एंड CEO की बात करें तो विक्रम लिमाय ऐसा कुछ नाम है। और अगर हम इस यही देखें BSE के बारे में, BSE इंडिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग 146 साल इसको हो गया, 1875 में, 9 जुलाई 1875 में ये इस्टेब्लिश हुई थी मुंबई में। और इसके चेयरमैन विक्रमजीत सेन और MD एंड CEO इसके आशीष कुमार चौहान हैं। सो थोड़ी कुछ और बातें करते हैं NSE और BSE के बारे में। NSE और BSE में डिफरेंस इतना है कि भारत की जो सबसे टॉप 50 कंपनियां हैं वो आती हैं NSE के अंदर, और BSE के अंदर जो भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं वो आती हैं BSE के अंदर। BSE सिर्फ 30 कंपनियों को वैल्यू देता है, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती हैं। वो 30 कंपनी को अपना वैल्यू देता है, और NSE जो है ये 50 कंपनी को वैल्यू देता है। तो ज़्यादातर अगर जो ट्रेड हम लेते हैं या इन्वेस्टिंग जो करते हैं, ज़्यादातर NSE और BSE में आप करते हैं, बहुत सेफ रहेंगे NSE और BSE के अंदर, क्योंकि इसके गिरने के चांसेस बहुत कम है NSE और BSE के जो स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली और हर तरह से स्ट्रांग होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं लेकिन वो कंपनी जहाँ तक है वो मार्केट से बाहर नहीं होती है। अगर उस कंपनी में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तो NSE और BSE जो स्टॉक एक्सचेंज है ये उनको अपने अंडर से बाहर निकाल देती है, अपने अंडर में नहीं रखती, क्योंकि इनका ट्रस्ट उस पर ख़त्म हो गया कि ये काम करेंगे अच्छे आगे चल के। सो NSE और BSE मेन डिफरेंस है ये। और हम जो ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड दोनों में कर सकते हैं, NSE और जो हमारा BSE है दोनों में ट्रेडिंग होती है और दोनों में इन्वेस्टिंग भी होती है, दोनों में ट्रेड और इन्वेस्टिंग दोनों की जाती है। सो NSE और BSE में समझने लायक और कुछ नहीं है, इतनी बहुत जानकारी बहुत है NSE और BSE के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक पे जो बिगनर में आता होगा, उसके बाद हम एडवांस पे जाएंगे, कुछ एनालिसिस देखेंगे आगे चल के हम। ओके, थैंक यू।